चार धाम के कपाट खुलने की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है। इसके बाद से ही चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां बड़ी जोरों से चल रही है। बाबा के भक्तों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए उत्तराखंड सरकार ने जोरों से अपनी व्यवस्थाओं का सुधारने के काम में जुट गए हैं। पैदल रास्ता हो या फिर पानी से संबंधित हर चीज की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। रास्तों के साथ साथ मोबाइल कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाने के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। वहीं चार धाम यात्रा के दौरान जमी बर्फ को भी हटाया जा रहा है। बिजली हो या फिर पानी, मोबाइल का कनेक्शन हो या रास्ते में जमी बर्फ, सभी पर 15 अप्रैल तक इन कामों को पूरा कर लिया जाएगा। सरकार की जानकारी के हिसाब से 20 अप्रैल से हेमकुंड साहब पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का काम शुरू हो जाएगा और 10 मई को शुक्रवार सुबह 7 बजे पूरे विधि विधान के साथ विश्व प्रसिद्ध 12वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम खुलने की तिथि अब तय हो चुकी है। आप लोगों को बता दें कि 10 मई को सुबह 7 बजे बाबा के धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। मिली जानकारी के हिसाब से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा करने के साथ ही बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली गद्दी स्थल ओंकेश्वर मंदिर से 6 मई को रवाना हो जाएगी। इसके बाद 9 मई की शाम केदारनाथ धाम पहुंचेगी। इसके अगले दिन यानी कि 10 मई को केदारनाथ के धाम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बार 10 मई के दिन अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है। इसी दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। वहीं इस बार बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम 6 बजे खोल दिए जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। आगे भी आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार। हर हर महादेव।